Dear students, I am Yusuf Sultan Mohan, lecturer of commerce, Boys High Secondary School, Yunsu. Today, I have a topic for class 12. Subject is accountancy, and the topic is issue of share set for. आज हम share capital का पहला जो numerical question है करने जा रहे हैं. Issue of share set for. For means face value. फॉर एग्जाम्पल अगर शेयर का कीमत 100 रुपया है तो 100 रुपया में ही हमने मार्केट में दे दिया है, उसको हम पार कहते हैं, इशू ऑफ शेयर से पार। इसके लिए मैंने एक चूज किया, एग्जाम्पल एक चूज किया है, ए लिमिटेड इशूज 1000 शेयर्स ऑफ ₹25 ईच पेबल एज अर्निंग। ए लिमिटेड कंपनी है, इसने 1000 शेयर्स मार्केट में लगा दिए, एक शेयर का कीमत है ₹25, द पेबल एज अंडर, जिसकी पेमेंट लेनी है कंपनी ने उसको डिवाइड कर दिया है इन पार्ट्स। किस तरह? ₹8 ऑन एप्लीकेशन, जब हम अप्लाई कर लेंगे उस वक्त ₹8 एक पर शेयर को बनने हैं। ₹7 ऑन अलॉटमेंट, जब हम अलॉटमेंट अलॉट कर लेंगे शेयर्स को उस वक्त हमने अलॉटमेंट मनी ₹7 बन लेने हैं। एंड ₹10 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है बाकी पैसा ₹10 जो है तो वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हमने बात देना है। देखो 8, 7, 15 और 10, 25, तो टोटल हमारे जो 25 है एक शेयर का, तो तीन हिस्से में एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर हमने इसको बुलाया है, यानी आवाम से कहा है कि पैसे बांट दीजिए। एप्लीकेशन वाज रिसीव्ड फॉर 800 शेयर्स, हमारे पास 1000 हमने मार्केट में डाला था लेकिन एप्लीकेशन 800 शेयर्स के ही आए हैं। फुली पेड अप, जो 800 शेयर्स हैं हमने बेच दिए हैं मार्केट में, उन लोगों ने सब पैसा भर दिया है जर्नलाइज। अब ऐसी सिचुएशन को जब हमारे पास 1000 शेयर्स हैं और लोग कम इसमें सब्सक्राइब कर लेते हैं, हम इसको अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ऐसी पोजीशन को हम, सिचुएशन को हम अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो इसके लिए तो पहला सवाल हम कर लेंगे, सोल्यूशन क्या है इसका। पहले हमारे पास क्या है आया, ₹8 ऑन एप्लीकेशन, हम लिखेंगे बैंक जर्नल एंट्रीज है अकाउंट DR डेबिट, कितना 800 शेयर्स अब हम बेच दिए मार्केट में, लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, 800 मल्टीप्लाइड बाय पर शेयर का एप्लीकेशन मनी के लिए 8 है, दैट इज 0064। तो एप्लीकेशन अकाउंट 6800 बैंक एप्लीकेशन मनी रिसीव और 800 Years at the rate of ₹8 per share. अब हमें बैंक में एप्लीकेशन मनी आई तो हमने ले लिया बैंक अकाउंट दिया, यानी इसके लिए बैंक अकाउंट में आए पैसे 6400 टू शेयर एप्लीकेशन मनी। अब एप्लीकेशन मनी में हम ट्रांसफर कर लेंगे, उसे निकाल लेंगे, तो कहां पर हमने ये पैसा रख लेना है, शेयर कैपिटल में जमा कर लेना। हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन, पहले ही कहा दूसरा पार्ट है बैंक में जमा हुआ एप्लीकेशन अकाउंट है, एप्लीकेशन मनी अकाउंट में, तो एप्लीकेशन उसमें निकालेंगे हम, शेयर कैपिटल में लगा देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR सारा निकालेंगे 6400 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6400 बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद अब हम अलॉटमेंट कर लेंगे, अलॉटमेंट मनी हमने लेनी है तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, हम लिखेंगे
अकाउंट डीआर अकाउंट में का हमारे पास 8 रुपया था, ये अलॉटमेंट के लिए अब 7 रुपया 8000 मल्टीप्लाइड बाय 7 दैट इज 700056 तो शेयर कैपिटल अकाउंट 5600। अब जो ये है एप्लीकेशन मनी पर ड्यू हमें है 5600, ये ड्यू है। पहले हमने देख लिया ड्यू कितना है, यहां हम लिखेंगे इसके लिए एडिशनल एंट्री बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू 5800 शेयर्स एंड द रेट ऑफ रुपीज 7 पर शेयर। अब ये ड्यू था, यानी हमें पता है कि हमें इतना पैसा आएगा। अब ये शेयर सारे जो है ये फुली पेड अप है, ये आया है पैसा। हम देखेंगे इसके लिए इसी की दूसरी एडजस्टमेंट, इसकी दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट, क्योंकि सब पैसा आया है डी आर बैंक में कितना हुआ है 8000 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज 5600 तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5600 बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड 800 shares at the rate of rupees 7 per share। अब हमने ले लिया, अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, हम लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डी आर 10 रुपीज है 8000 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 8000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू हमारे पास है 8000। हम लिखेंगे बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 800 shares at the rate of rupees 10 per share due है, हमें पता है कि आने वाला है। इसके बाद हम देखेंगे बैंक में कितना आया है, क्योंकि ये सारे पेड अप है इसलिए सारा पैसा आया है। हम देखेंगे बैंक अकाउंट डी आर दैट इज 8000 आया है सारा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड 800 shares at the rate of rupees 10 per share. So that's all for today. कल हम दूसरा क्वेश्चन लेके आते हैं।